मिनट हैं और 10 मिनट में आपने मेडिकल के अलावा कोई और बात करनी है, तो अभी मैं रास्ते में सोचता आ रहा था कि मैं आपसे क्या बात करूं, तो मुझे याद आया कि आजकल ये व्हाट्सएप का दौर है और बहुत सारी बातें जो दुनिया में होती हैं वो सब तक पहुंच जाती हैं। तो एक बहुत बड़ी स्टडी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में हुई रिसेंटली, रिसेंटली क्या अभी भी चल रही है और पिछले 70-75 साल से चल रही है। उसमें उन्होंने हार्वर्ड के जो टॉप ग्रेजुएट्स थे उन सबको लॉन्गिट्यूडनली फॉलो किया और 70-75 साल हो गए हैं वो स्टडी चल रही है। उसमें से बहुत से लोग ऐसे थे कि जो वहाँ अमेरिका के प्रेसिडेंट बने, दो तीन तो अमेरिका के प्रेसिडेंट बने, कुछ ऑस्ट्रोनॉट्स बने, कुछ साइंटिस्ट बने, कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने नोबेल प्राइज हासिल किया और कुछ लोग ऐसे थे कि वो कन्विक्ट हुए और जेलों में भी रहे, कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने खुदकुशियां की और कुछ लोग थे जो आर्टिस्ट बने। तो उन सब की लाइफ को उन्होंने स्टडी करके ये देखा कि उनमें से खुश कौन था और कौन नाखुश था। तो आप हैरान होंगे कि उस सारी स्टडी के नतीजे में जो सेंस ऑफ वेल बीइंग है और हैप्पीनेस है और जो एक मुतमईन जिंदगी है उसका जब क्राइटेरिया देखा गया तो उसमें एक चीज कॉमन थी और वो कॉमन चीज पैसा नहीं थी, वो ओहदा नहीं था, वो डिग्री नहीं थी, वो तालीम नहीं थी, वो बच्चों की तादाद नहीं थी, वो बच्चों की सक्सेस नहीं थी। वो ये थी कि जिन लोगों ने अपने रिश्ते निभाए और जिनके अंदर रिलेशनशिप डेवलप करने की एबिलिटी थी वो लोग बहुत खुश रहे। जो रिश्तों को बना सके, रिश्तों को निभा सके, रिश्तों के सिलसिले में कोई कॉन्फ्लिक्ट आ जाए तो उसको बर्दाश्त कर सके, तो वो लोग थे कि जो कि जिंदगी में इत्मीनान के साथ जिंदगी गुजारी।